बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के नेतृत्व में आतंक का साया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बलिदान देकर के काम कर रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश के भी बहुत लोग काम में वहां पर लगे हुए हैं। तो बलिदान के आधार पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान देकर के धारा 370 के लिए जनसंघ की स्थापना की, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी। तो मित्रों, मैं तो विश्वास से कहता हूँ कि बंगाल ने जो बलिदान मांगा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ बलिदान दे रहे हैं, लगातार हमले चल रहे हैं। 2 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी का राम राज्य बंगाल के अंदर होगा।